सो वाइज डीवीज एंड लॉरेंस लैब्स फॉलिंग, तो यहाँ पे ये दोनों स्टॉक्स योग रहे हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट फार्मास्यूटिकल्स के वन ऑफ द जायंट कंपनीज हैं। सिंपल रीजन है, पहले डीवीज के केस में देखते हैं, तो डीवीज के केस में जो कोविड ड्रग है मोलनुपिरावीर, इसके रेवेन्यूज बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जैसे ही मोलनुपिरावीर के रेवेन्यूज निकले तो डीवीज का जो बेस था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जहाँ पे मोलनुपिरावीर के रेवेन्यूज थे, तो बहुत ज्यादा डीग्रोथ आने लगी। एंड सेकंड रीजन क्या है कि यहाँ पे क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो डीवीज का भी मार्जिन कम हो गया, बट डीवीज के मार्जिन अभी भी टॉप क्वार्टाइल है इंडस्ट्री के, माने इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन। जब आप लॉरेंस लैब्स की बात करते हैं तो वहां पे भी सिमिलर कुछ प्रॉब्लम हुई कि पैक्सलोवाइड का रेवेन्यू था जो वन ऑफ था एंड वो नॉर्मलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से अब इनकी ग्रोथ शायद से स्लो हो सकती है। बट मेजर प्रॉब्लम क्या है कि लॉरेंस का जो एआरवी बिजनेस है वहां पे इस टाइम पे प्राइसिंग इरोजन चल रही है। प्राइसिंग इरोजन क्या होता है, माने बहुत कंपेटिटर्स आ जाते हैं एंड आपकी सप्लाई साइड बढ़ गई, डिमांड साइड थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर चल रहे हैं। सो मार्जिन यहां पर भी इरोड हो सकते हैं। सो बी केयरफुल विद द टू ऑफ देम एंड आपको इसको एनालाइज खुद ही करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे।